कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कांगड़ा में भाजपा पर जमकर हल्ला बोला है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सम्मेलन करके भाजपा महिला मंडलों को बुलाकर भीड़ एकत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इतनी ही लहर है तो भाजपा उन्हीं स्थलों पर जेंटलमैन सम्मेलन क्यों नहीं करवा के दिखाती है, फिर सभी को पता चल जाएगा कि कितनी भीड़ जुट रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कांगड़ा में पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के नेता अपने प्रत्याशी के लिए आयोजित होने वाली रैलियों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाली ने अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्षी भाजपा उन मुद्दों से जनता को प्रभावित कर रही है जो चुनावों के बाद कहीं नजर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है, किसी को मुद्दों से भटकाकर ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जो चुनाव के बाद हवा हवाई हो जाएंगे, लोगों को गलत तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, लेकिन इससे देश को आगे नहीं बल्कि पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है। बाली ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री बताएं कि क्या चुनाव के बाद हिमाचल में बिजली बिलों में इजाफा होगा? आखिर क्यों इस प्रदेश में बिजली इतनी महंगी है? जहां बिजली पैदा होती है, गैस सिलेंडर 350 का था और आज 1000 का क्यों हो गया है? सीमेंट यहां बनने के बाद भी महंगा क्यों है? इन मुद्दों को भी भटकाया जा रहा है। बाली ने कहा कि विकास कार्यों और जनहित की योजनाओं के बारे में कोई भी भाजपा नेता बात नहीं कर रहा है। सभी भाजपाई बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और मुद्दों का व्याख्यान करने में लगे हैं। यदि सरकार ने ऐसा किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश की सुरक्षा सरकार की ड्यूटी है। ऐसे में इन बातों का चुनावों में भुनाने का कोई मतलब नहीं है। पीछे द्वारा इनको ला करके ऐसी प्रताड़ना ना सहना पड़े लोगों को, तो हम लोग तो उनको आगाह कर रहे हैं कि भाई आप लोग सोचिए, ये सारी चीज़ें जो है संकल्प पत्र में लिखी हुई, इसमें मुझे रोजगार का मुद्दा कहीं नहीं नज़र आता। जो पिछली बार 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने 22 लाख रोजगार देने की बात की बेरोजगारों को, कि हम इतने तरीके से पहले पहले उनको नौकरियां भर देंगे, ऐसे 72,000 रुपया साल का देने की बात की। तो अगर उनको छोड़ करके इनको फिर भी लोग वोट डालते हैं तो किस चीज का वोट होगा? दुर्भाग्यपूर्ण बस वो वोट होगा आपको भटकाने का। बाली ने कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन हम देश प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाएंगे इस पर चुनाव के दौरान चर्चा होनी चाहिए। बाली ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और वे खुद पवन काजल के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। हमने तो यह कहा कि सरकारी मशीनरी को पूरा प्रयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग वर्ड जो है वो सरकार अपने आप सोचे कि वो क्या सरकारी लोगों को आदमी इकट्ठे करने के लिए लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये सरकार का काम है। मगर जिस तरीके से महिला सम्मेलन किए जा रहे हैं और महिला मंडलों को बुला करके उनको कोई ना कोई लालच दिया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। तो वैसे ही अगर ऐसी रैली और मीटिंगें करेंगे जिनमें जो मेन मुद्दे हैं वो मुद्दे से को भटकाने के लिए हम नई से नए कोई नया शोषा छोड़े, तो मेरा मानना ये था कि जो हमारे रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनको भुलाने का प्रयास कर रही है ये पार्टी, और उसमें हम लोग भी किसी हद तक उस जाल में फंस रहे हैं। तो हम अपने लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इनके इस जाल से बचिए। जो 2014 में बाद 5 साल तक GST और नोटबंदी ये सब सहना पड़े थे।